नमस्कार दोस्तों, जय वेंकटेश। साथियों, ऑंकोमैन और ड्रमसप की शक्ति क्या है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट भी डॉक्टर से कराया, उसका भी मुझे लाभ नहीं मिला। एक वैद्य से मैंने इलाज कराया, उससे मुझे लाभ मिला, दर्द कम हुआ, लेकिन चूंकि ऑंकोमैन मेरे पास 22 तारीख को आया है, 22 तारीख से मैंने खाना शुरू किया और मैंने जो ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर के कहने से, अल्ट्रासाउंड जो कराया वो 15 तारीख को कराया। 15 तारीख को मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन 9 mm की आई और 12 तारीख से मैंने ये ड्रमसप लेना शुरू किया। साथियों, मैंने जब डॉक्टर सुभान जी से अपनी बात शेयर की तो उन्होंने मुझे एक ऑंकोमैन और 2 ड्रमसप, दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद ड्रमसप बताए उन्होंने, उसी तरीके से मैंने लिए। तो जो मैंने 22 तारीख से ऑंकोमैन लेना शुरू किया, एक मैंने रिपोर्ट कराई थी बिलोरविन LGPT LG40, जिसमें मुझे जॉइंटिस की भी शिकायत आई, वो मैंने 20 तारीख को रिपोर्ट कराई। उसके बाद 22 तारीख से मैंने ये ऑंकोवैन लेना शुरू किया और ड्रमसप तो चूंकि मैं 12 तारीख से ले रहा था, और 29 तारीख को दोबारा वही रिपोर्ट कराई तो उसमें मेरा जॉइंटिस बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बिल्कुल फिट आई और इसमें मेरा एनर्जी लेवल भी इसमें काफ़ी बढ़ा। और मैं यही बताना चाहूँगा साथियों कि ये बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट काम कर रहा है। और इसके साथ साथ साथियों, मेरे बाल जो हल्के हल्के सफ़ेद दिखाई देने लगे थे और वो पूरी तरीके से लगभग 90% जितने थे सफ़ेद वो गायब हो चुके हैं और ये थोड़े से ये यहाँ पे सफ़ेदी रह गई है, ये भी मुझे लगता है कि 4-5 दिन में ये भी गायब हो जाएगी। साथियों, ये हमारे जो हमारे लीडर बताते हैं, जो डॉक्टर चेला जी ने ये प्रोडक्ट तैयार किया है, वाकई रामबाण प्रोडक्ट है। हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक 400 बीमारियों को जो काम कर रहे हैं वो 100% मैं श्योर हूँ, गारंटी के साथ हूँ कि ये 100% सभी बीमारियों पे काम कर रहा है। साथियों, क्योंकि मैं अनफिट था तो मैंने ये प्रोडक्ट लिया तो मुझे इसकी वैल्यू, इसकी पोजिशन पता चली, और अगर मैं फिट होता तो शायद इतनी अच्छी तरीके से मुझे जानकारी नहीं मिल पाती। साथियों, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाभ दीजिए, हर आदमी को इसके बारे में बताइए ताकि उसको इसका लाभ मिले। साथियों, बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय वेंकटेश, नमस्कार साथियों।